पहले तो दर्शकों को नमस्कार। और आज हम ये सीन शूट कर रहे हैं कि जिसमें मुरली भाई थोड़े से बीमार है और फिर भी वो हमारे पीछे पीछे घोटाला हाउस में आए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा अजीब बिहेव कर रहे हैं वो लोग कि वर्षा कुछ कबर्ड में छुपा रही है और हम लोग वो देखने गए। फिर हमको तब पता चलता है कि वो तो अंदर से तो भैरवी निकली है। तो ऐसा सब कुछ रंपस कॉमेडी है, कुछ सब घोटाला चल रहा है घोटाला हाउस में। तो वहाँ वो भी आ गए साथ में, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो नहीं आए ना तो जो कुछ भी गड़बड़ चल रही है ना उनका इल्ज़ाम उनके ऊपर आएगा। इसलिए वो वहाँ आ गए और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उनको डांटने के लिए सब अभी उनके घर पे आए हुए हैं। एक्चुअली ना हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत मच्छर हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो देखो ना, ओझा जी भी बीमार है और वसंत भाई को भी थोड़े बुखार उखार आया है, तो ऐसा हमको भी पता चला है। पर हम जब उनके घर गए तब तो वसंत भाई नहीं थे घर पे, तो वर्षा ने हमें बताया कि हाँ उनको ऐसा बुखार उखार आया है। तो फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ से खून देने से मना कर देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने से मना कर देते और ऐसा वहाँ से भाग के यहाँ आ जाते। तो ऐना को थोड़ा ऐसा डाउट है कि पता नहीं कोई गंभीर बीमारी है क्या उनको, और अगर है तो क्या है वो। तो किसी ने बताया कि ब्लड कैंसर, तो वो लोग खुश हो गए, हाँ हाँ ब्लड कैंसर ऐसा है। अरे हम लोग बड़ी दूर से आए, का एक साल ख़त्म होने वाला है 9 तो उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सराहा, आपने हमें कुछ अच्छा और कुछ नया करने का मौका दिया। और अभी तो बहुत दिन है, बहुत सालों साल लगेंगे और बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिए, बड़ी दूर से आए हैं।